अदिति जी लेकिन सुन लीजिए सुन लीजिए, अब आपने आप इंडियन गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे थे, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है, जवाब सुन लीजिए सर। अब मुझे मत बताइएगा बस कश्मीर का हाल, नहीं बताइएगा, क्लिप्स भेजूंगी लेकिन आपको। शहजाद पूनावाला जी, अदिति जी देखिए, पाकिस्तान मानवाधिकार की बात करें ये तो ऐसा है कि शैतान कुरान का पाठ पढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिसके मानव अधिकारों के हनन की इतनी बड़ी पराकाष्ठा थी कि ईस्ट पाकिस्तान उनसे जुदा हो गया और आज बांग्लादेश बन गया, जो बलूचिस्तान आज आज़ादी की कगार पर खड़ा है और मांग रहा है आज़ादी उनसे, और जिस प्रकार से वहाँ पर अहमदिया हो शिया हो जिस प्रकार से उन पर मानवाधिकार का हनन किया जाता है, और हिंदुओं की सिखों की तो मैं बात भी नहीं करूँगा, ईसाइयों की तो बात भी नहीं करूँगा, वहाँ पर तो माइनॉरिटीज को पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया है और इसकी कई सारी ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स है पूरी दुनिया की। तो मुझे लगता है कि कम से कम पाकिस्तान तो मानवाधिकार पर बात ना करे। परंतु देखिए आज मूलतः क्या विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए अदिति जी, एक बंद घड़ी भी जो होती है ना, बंद घड़ी जैसे इमरान खान बंद घड़ी, वो भी दो वक्त समय सही बताती है, और मुझे लगता है इमरान खान ने भी दो बातें सही बताई है, पर ये इसलिए नहीं क्योंकि वो ईमानदार है, ये इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन में सच्चाई आ चुकी है, परंतु ये इसलिए क्योंकि आज उनकी कौन सी वो राजनीतिक मजबूरियां हैं वो वही जानते हैं। परंतु ये बात स्पष्ट है कि चाहे वो भारत की विदेश नीति हो या भारत की सेना हो, भारत की विदेश नीति निष्पक्ष है, ये पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को माना है। और जहां तक भारत की सेना है, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान आमतौर पर दुनिया में एक देश होता है, देश की सेना होती है, परंतु पाकिस्तान एक ऐसा एक लौता मुल्क है जहां पर सेना है और उसके पास एक मुल्क है, और इसीलिए आज तक पाकिस्तान के इतिहास में 75 वर्ष हो रहे हैं उनको भी, एक भी सिविलियन गवर्नमेंट ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा किया है, क्योंकि पाकिस्तान में पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पपेट ऑफ मिलिट्री होता है। अब इमरान खान भी पपेट ऑफ मिलिट्री थे, अब इमरान खान से जी भर गया तो हो सकता है वो एक नया पपेट ऑफ मिलिट्री लाए। तो देखिए कोई भी वहां पर जो प्रधानमंत्री सिविलियन प्रधानमंत्री बनता है उसका एक भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, परंतु हाँ आज पाकिस्तान को, उनकी सेना को, उनके डीप स्टेट को ये चिंतन करना चाहिए कि वो क्यों इस कगार पे खड़े हैं। आज भारत कहाँ पहुंच गया है, भारत की इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है, भारत की एक जो साख है पूरी दुनिया में वो कहाँ है, और पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट की तलवार उनके सिर पर है। आज 15% इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, कंगाली की ओर जा चुका है पाकिस्तान, उनके खुद के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से कंगाल है, हर जगह इमरान खान कटोरा लेकर घूमते हैं कि भाई कुछ पैसा दे दीजिए क्योंकि अगले महीने का खर्च हमें जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, अगले महीने का खर्च निकालना है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चिंतन करना चाहिए। एक आखिरी शब्द कहूंगा कि कई मॉडल होते हैं, भारत एक लोकतंत्र है, कई देश परिवार तंत्र है, कुछ राजतंत्र है, पाकिस्तान आतंक तंत्र है। ये एक लौता ऐसा मुल्क है जो आतंक तंत्र है, और ये आतंक की नीतियों से ही आज पाकिस्तान की ये स्थिति है। ठीक है, जवाब लीजिए सैयद आगा रफीउल्ला। देखिए बात ये है कि आज इमरान खान की नालायकियां लाख सही, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम इंडिया से बहुत बेहतर है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से बहुत बेहतर है। इतनी गुर्बत, इतनी पसपाई हमारे पास आज भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस इमरान खान की जो 3 साल 3.5 साल फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, अच्छी, लेकिन ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है। और आपको दोबारा मैं आपको कहूं, देखें ये आपकी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप किसी भी जमहूरी निजाम के बारे में इस तरह की बात करके आप शो कर रहे हैं कि आप वाकई में वही सर, आपको कर्ज नहीं मिल रहा, आप यहाँ कह रहे हैं इमरान खान जैसे भी हो, आपको कर्ज मिल रहा है क्या? कर्ज मिल रहा है? आटे का दाम क्या है? पेट्रोल का दाम क्या है? और आपकी पार्टी तो महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही, टमाटर के दाम को लेकर आप सुर्खियों में आ जाते हैं सर। तो वो तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसकी नालायकी इस मुल्क के ऊपर आप नहीं तोप सकते। इस मुल्क के अंदर खबर तो ये आती है कि चाइना को गधे बेच रहे हैं आप। ये ज़रात का मुल्क है, इस मुल्क में ज़रात आज भी इतनी है कि औरों को खिला सकते हैं। इसमें आज आप ये बताइए ना, गधे क्यों, ये खबरें क्यों आती है कि चाइना को गधे बेच रहे हैं आप? आपके यहाँ टमाटर को लेकर बात क्यों हो रही है? आप इमरान खान को फिर किस मुद्दे पर भगा रहे हैं?
किस मुद्दे पर घेर रहे हैं? जब आप इतनी अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर आपकी पार्टी की जरूरत क्या है? वो ये 3.5 साल की नाकिस पॉलिसीज की वजह से, लेकिन इस मुल्क में प्रोटेंशन है, इस यहाँ के लोगों में प्रोटेंशन है। आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी साहब जब गवर्नमेंट में आए थे, हमें गंदम की शॉर्टेज थी, एक बेहतर पॉलिसी लेके आए, हमारा मुल्क खुशहाल हुआ, हम इस काबिल हुए कि गंदम को एक्सपोर्ट कर सके। हमारे पास पॉलिसी का फुकदान हो सकता है, इमरान खान की नालायकी से वो चीजें, हमारा मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत मजबूत है, और बहुत सारी अच्छाई बुराइयों के साथ इस मुल्क में दुनिया की हर वो चीज मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ अगर नियत की कमी है, अगर मेरी मेरी नालायकी हो सकती है, अदरवाइज। तो आपके प्रधान ये जिन इमरान खान का आप नाम लिख रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ पर, खुद ही चीटर चीटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आप? तारिक फतेह आपको जवाब देना चाह रहे हैं, तारिक फतेह अभी ये बलूचिस्तान पे भी लेक्चर दे रहे थे, वर्दी पे भी लेक्चर दे रहे थे, उसी वर्दी पर लेक्चर दे रहे थे, उसी पाकिस्तानी फौज पर जिसके खिलाफ नारे लगते हैं, जहां नारे लगते हैं गो नियाजी गो, जहां नारे लगते हैं जो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये उसका डिफेंस कर रहे हैं, बलूचिस्तान से अपना कनेक्शन बता रहे हैं, आपका कनेक्शन ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एक सेकंड भाई साहब सुन लें, जिस मुल्क को आप भूखा बंगाली कहते थे और जहां 10 लाख आपके अपने शहरियों को आपने कत्ल किया कि बंगाली हैं काले हैं ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं, वो आज उनका जीएनपी आपसे ज्यादा है, वो कैसे हो सका? आपके मुल्क में तो क्लियर कट डिवीजन है कि पैसा फौज ने लूटना है, उसके बाद कुछ जमींदारों के पास जाएगा और बच जाएगा तो कहीं पर स्कूल खुल जाएगा, और वो स्कूल भी जाली होता, टीचर की तनख्वाहें जाली होती हैं। आपने हशर कर दिया, आप बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, एक आम डॉक्टर अल्लाह नजर जाके पहाड़ों पे चल जाता है, तंग आ गया आप लोगों से, आपने तमाम ऑपोजिशन को तो मुल्क से बाहर निकाल दिया, यानी हद हो जाती है कि 5,000 आदमी गायब हो गया, नौजवान को फोर्सिबली डिसअपीयर कर देते हैं, किसी कानून किसी कोर्ट में भी नहीं प्रेजेंट करते, हेलीकॉप्टर में जाके डेड बॉडीज गिराते हैं हम, और यहाँ के मुस्कुरा देते कि बलूचिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, आपका मुल्क नहीं है, आपने अभी चीन को बेच दिया है, और वो जो कनेडियन कंपनी है वो लूट के ले जाएगी वो सारा सेंडक का जो कॉपर और गोल्ड है। अब सीपैक को बर्दाश्त करिए, श्रीलंका को खा गया चाइना, अब आपको खाएगा। अच्छा मैं रिस्पॉन्स करता हूँ इसमें, बोलिए बोलिए रफीउल जी, बोलिए बोलिए आवाज आ रही है। देखें जब बंगाल की बात करते हैं तो वो आपके इंडिया से तमाम वो पॉलिटिशियन या वो लोग जो उस टाइम मुख्तलिफ पोस्टों पे थे, उन्होंने ये ऑन किया कि हमने किस तरीके से ये दोनों मुल्कों को लुत्फ किया, दोनों मुल्कों को किस तरीके से थोड़ा, वो कौन सी साजिश रची गई थी वो तो आपने आपके मीडिया पे दिखा होगा, और दुनिया उससे पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है कि वो साजिश आप लोगों ने कैसी रची थी। लेकिन हम जब आज जब हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान, तारिक साहब अगर एक दूसरे को मौका देंगे तो बात लोगों को समझ आ जाएगी। करिए करिए, अगर मुझे आप इजाजत देंगे तो शायद बोलिए ना, मेरी बात आप ही बोल रहे थे देर से, बोलिए। हाँ लेकिन बीच में तारिक साहब बात कर रहे हैं तो स्काइप की वजह से फिर आवाज कट जाती है। अरे सर आपकी आवाज कहीं नहीं कट रही है, ये इंडिया है या लोकतंत्र है, आवाज नहीं दबाई जाती सर, जी न्यूज के मंच पर है, आप चिंता मत कीजिए। बड़ी मेहरबानी, अच्छी बात है सर, इसलिए तो भारत है ना सर, आवाज दबाने में यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको लाख हमें यहाँ पर चीजें सामने करनी पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तय है कि यहाँ पर जमहूरी ताकत इतनी मजबूत है, जमहूरियत इतनी मजबूत है कि आवाज यहाँ भी बंद लाख कोशिशें करने के बावजूद यहाँ भी नहीं हो पाती है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।